ये सब करण जौहर ने खराब किया एक्चुअली, उसने अपनी किताब में लिख दिया है तो कुछ नहीं है, टेडी बेयर है। लोगों को वो दिखता है जिन लोगों की जिंदगी बदली, लोगों को वो नहीं दिखता जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गोड़ दी। गुस्सेल रहे हैं आप? मैं बहुत गुस्सेल रहा हूँ। चीजें तोड़ी है? हाँ। किस तरह की? जो टूट सकती है। मैं तो एक बार दिल और अन्य वस्तुएं बहुत बहुत लड़ता था पहले तो, मतलब वो रेपुटेशन आज तक है। लेकिन वो पहले वहाँ पिछले 50-5 साल में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन वो रेपुटेशन है, उसके रेपुटेशन में से फ़ायदा भी बहुत मिला है। लोग थोड़ा लोगों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन है मेरी फिल्में और मेरे पुराने गुस्से को लेके कि ये कहीं ना, तो उसमें मेरा बहुत काम हो जाता है। परसीव्ड परसीव्ड पावर है आपके एंगर का। हाँ, परसीव्ड एंग्री यंग मैन है, उसमें बहुत काम भी निकल जाता है कई बार। लेकिन जब लोग जानने लग जाते हैं ना, लोगों को लगता है अरे यार ये तो बड़ा ऐसा है, सीधा है, ऐसा इमोशनल है, ये वो है, ये सब करण जौहर ने खराब किया एक्चुअली, उसने अपनी किताब में लिख दिया है तो कुछ नहीं है, टेडी बेयर है। फिर वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे करते करते भी सब लोगों को लगता है सर हमें पता है आप कर दोगे ऐसा, तो गड़बड़ हो गया, पिलपिला है दिल। नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा मैं अभी इग्नोर कर देता हूँ, मैं भी अपने आप को शट ऑफ कर लिया थोड़ा सा। वो भी एक कमज़ोरी होती है, वो अननेसेसरी नहीं, जब तक फेथ नहीं करता हूँ किसी के अंदर मैं, राइट, अननेसेसरी किसी को एम्पावर भी नहीं करता। मैंने बहुत किया पहले, आउट ऑफ इमोशन या आउट ऑफ वो तरस खा के या किसी को ना, वो आप डैमेज कर रहे होते हो एक्चुअली, राइट। पर जो ताकत है लोगों की जिंदगियां बदलने की, द पावर टू चेंज लाइव्स, वो मेरे अंदर नहीं है, मैं अपॉर्चुनिटी दे सकता नहीं, पर बिल्कुल जिंदगी तो बदली उससे, वो खुद वो बदलते हैं जिंदगी। लोगों को वो दिखता है जिन लोगों की जिंदगी बदली, लोगों को वो नहीं दिखता जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गोड़ दी। ऐसे भी लोग हैं, बिल्कुल, मतलब हर कोई एक विनीत कुमार सिंह जैसा नहीं है जो जाता है और एक उसके पीछे 17 साल की उसकी मशक्कत है, राइट, 17 साल देखा उसने, उसको मालूम है कि एक अपॉर्चुनिटी है और इसको मैं यूज़ करूँगा और उसके बाद वो जाता है। और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं यार तुमने हमको चांस दिया उसके बाद तुम भूल गए। मैं तो सबको चांस दे के भूल जाता हूँ, मैं चांस नहीं देता किसी को। मैं अपनी फिल्म बना रहता हूँ, मुझे लगता है सामने है अच्छा खासा है, साथ में करता है अच्छी फिल्म बनेगी, वो भूखा है तो मैं उसकी भूख को एक्सप्लॉइट करता हूँ। लोग अनुराग में, लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अनुराग जो है ना, अगर आपके पास आइडिया है, स्क्रिप्ट है, तो आपको एज एन बतौर एक्टर लॉन्च मिल जाएगा, तो सब एक्टर जो है स्क्रिप्ट लिखने लग गए। अब स्क्रिप्ट लिखने की तमीज़ ही नहीं किसी में, किसी के पास आइडिया ही नहीं है कोई ओरिजिनल, तो लोगों को लगता है ये तरीका, मैं कहें बकवास है, मतलब तो लोगों के परसेप्शन बन जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं असिस्टेंट हूँ, मैं कहा इवेंचुअली एक्टर ही बनना है ना, तो जो ऑनेस्ट रहो ना पहले, करेक्ट, वो ऑनेस्टी नहीं है किसी में। पूछ रहा है यहाँ पे मिर्ज़ापुर बन रही क्या? मेरठ बनना।